नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। आज के दौर में बड़ी संख्या में लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। सामान्य ब्लड प्रेशर 80 से 120 के बीच होता है। जब ये 120 से पार चला जाता है तो हाई बीपी की समस्या हो जाती है। इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण नजर नहीं आते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने से हमारे हार्ट पर दबाव काफी बढ़ जाता है, जो हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। इसके अलावा भी यह परेशानी हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित करती है। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए। बिना दवाई के भी कुछ तरीके अपनाकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए, आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से लड़ने का उपाय बताते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो हर दिन 30 से 60 मिनट तक एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। इससे आपका मूड बेहतर होता है और डायबिटीज का हार्ट डिजीज पैच इससे आपका मूड बेहतर होता है और डायबिटीज का हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। स्वस्थ लोगों को भी एक्सरसाइज को अपने शेड्यूल में जरूर शामिल करना चाहिए। रोजाना वर्कआउट आपके शरीर को और मस्तिष्क के तौर पर भी आपको फिट रखता है। एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, वजन भी नहीं पड़ता, दिल को दिक्कत मिलती है और तनाव का स्तर भी कम होता है। वहीं अगर आप तेज नमक खाने के शौकीन हैं तो आज ही नमक खाना कम कर दें, क्योंकि नमक दिल का दुश्मन माना जाता है और ज्यादा नमक आपके दिल की सेहत को लंबे समय में नुकसान पहुंचाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक हमें रोजाना सिर्फ 3300 mg नमक की जरूरत होती है। वहीं जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं उन्हें सिर्फ 1500 mg नमक खाने को कहा जाता है। नमक की मात्रा कम करने के साथ साथ पैकेज फूड और डब्बा बंद खाने को भी आज ही अलविदा कह दे। वहीं दिल की सेहत को बढ़ावा देने और ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने के लिए पोटेशियम सबसे अच्छा खनिज है। ये नमक के प्रभाव को भी कम करता है, इसलिए पोटेशियम से भरपूर डाइट ही लें, जिसमें केला, टमाटर, आलू, दूध, दही, हरी बीन्स, मछली आदि शामिल होता है। यही नहीं, अगर आप किडनी की बीमारी से जूझते हैं तो भी पोटेशियम की मात्रा पर जरूर ध्यान दें। वहीं अगर आप जरूरत से ज्यादा शराब पी लेते हैं, ऐसे भी आपका ब्लड प्रेशर से राहत नहीं मिल पाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो एक अच्छा संकेत नहीं होता है। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि शराब में चीनी की मात्रा बेहद ज्यादा होती है और साथ ही कैलोरीज भी खूब होती है, जो शरीर में फैट्स और वजन बढ़ाने का काम करती है। वजन बढ़ाना भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार पुरुष अगर दिन में 2 ड्रिंक लेते हैं और महिलाएं दिन में 1 ड्रिंक लेती हैं तो इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसे ज्यादा आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। वहीं सबसे मुख्य कारण आपका स्ट्रेस भी है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हम सभी की जिंदगी का हिस्सा है, फिर चाहे रिश्ते हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, तनाव से बचना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तनाव भरी जिंदगी ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ा सकती है। अक्सर आप तनाव में रहेंगे तो इससे दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ता है। तनाव की वजह से हमारी जंक फूड, मीठे शराब, स्मोक की चाहत बढ़ने लगती है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। इसीलिए जरूरी है कि रोजाना वर्कआउट, योग, मेडिटेशन की मदद से आप तनाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं अगर आपको अपने ब्लड प्रेशर को कम करना है तो उसके लिए आपके लिए वर्कआउट बहुत ही जरूरी है। अपने रोज डेली शेड्यूल में वर्कआउट को आज ही एड ऑन कर ले और नमक को अलविदा कह दे। आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज डिजिटल। धन्यवाद।